देश और अपने प्रदेश से जुड़ी ताजा अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें एएनटी नेशनल। नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं और उसके बाद साथ में दिख रही घंटी भी दबाएं। बने रहिए हमारे साथ देश और प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं एएनटी। हरियाणा के शिक्षा व पर्यटन मंत्री रामविलास शर्मा ने अपने गोद लिए गांव नांगल सिरोही में पहुंचकर सबसे पहले गांव के पूर्व सरपंच राव बिशंबर दयाल की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर वहां से गांधी जयंती प्रोग्राम की पैदल यात्रा प्रारंभ की। वहां से वे पैदल मार्च करते हुए गांव के बीचों बीच ग्राम सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहाँ उन्होंने सबसे पहले महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए स्वच्छता अभियान की मुहिम की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने गांधी के जीवन की प्रेरणादायक बातों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इंसान को अपने आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए और वातावरण को बिल्कुल स्वच्छ रखने की कोशिश करनी चाहिए। ये 2 अक्टूबर है, आज महात्मा गांधी का जन्मदिन है, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है, दोनों ही प्रेरणा पुरुष थे। ये हमारी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यक्रम है। हम सभी विधायक, सभी जिला अध्यक्ष अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में और ये पद यात्राएं 10 किलोमीटर रोजाना के हिसाब से और 10 दिन के लिए बीच बीच में कार्यक्रम, और इन पद यात्राओं का जो समापन है वो मैंने नितिन गडकरी जी से कहा है कि हमारी पद यात्रा यहीं से आज शुरू कर रहे हैं और मैं अपनी पदयात्रा का जो समापन है वो भी नांगल सिरोही में करूंगा। महेंद्रगढ़ से एएनटी नेशनल के लिए सुशील कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं एएनटी नेशनल, खबर वही जो हो सही।